त्योहारों से पहले उलझा गेहूं का गणित, सरकारी नियंत्रण के बाद भी नई ऊंचाई पर भाव। दरअसल अक्टूबर के आखिरी महीने में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, वहीं नवंबर से देश में शादियों का सीजन शुरू होना है। ऐसे में अब से दिसंबर तक देश में त्योहारों की धूम रहनी है, लेकिन त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही देश में गेहूं का गणित उलझ गया है। आलम यह है कि गेहूं के दाम उछाल मार चुके हैं। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में गेहूं की चाल बदल सकती है। दरअसल त्योहारी सीजन में पहले गेहूं के दामों में उछाल की कहानी क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गेहूं के दामों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कुल जमा देश में गेहूं के उलझे हुए गणित को देखें तो समझा जा सकता है कि सरकारी नियंत्रण के बाद भी गेहूं के दामों में बढ़ोतरी जारी है। असल में केंद्र सरकार ने अप्रोक्ष रूप से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई हुई है। व्यापारियों को नियमित रूप से सरकार को गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होती है। इसके बावजूद भी दो महीनों में गेहूं के दाम 200 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ चुके हैं, जिसके बाद मौजूदा समय में दिल्ली की थोक मंडियों में गेहूं के दाम 3100 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गए हैं। वहीं गेहूं के दामों में जारी उछाल अभी और करवट ले सकता है। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में गेहूं की मांग में बढ़ोतरी होगी, इससे गेहूं के बाजार में दबाव बनेगा और दामों में और बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि अगर बाजार में गेहूं की आवक नहीं बढ़ी तो दीपावली तक गेहूं के दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर जाएंगे। इसी तरह के हालात अगर शादी के सीजन में भी रहते हैं तो गेहूं के दाम 4000 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर जाएंगे, क्योंकि गेहूं की नई आवक आने में अभी समय है। वहीं दिल्ली फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गेहूं के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के जरिए गेहूं बेचना चाहिए। अगर OMSS के जरिए गेहूं एक निश्चित दाम में बाजार में आएगा तो इससे गेहूं के दामों में जारी उछाल पर कंट्रोल लगेगा। उनका कहना है कि नई फसल आने में अभी पूरे 6 महीने हैं, ऐसे में पूरे साल गेहूं के दामों में नियंत्रण के लिए कम से कम 100 लाख टन गेहूं की OMSS के जरिए बाजार में उतारने की ज़रूरत है। वहीं गेहूं के दाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आने वाले त्योहारी सीजन में गेहूं के दामों में और तेजी आने की उम्मीद बन गई है। कुल जमा जिन भी किसानों के पास स्टॉक गेहूं का रखा हुआ है, उनके लिए यह बाजार में फायदा उठाने का समय है और इस वक्त बाजार की चाल देखकर गेहूं को बेचा जा सकता है। बेशक ऐसी पूरी संभावनाएं भी हैं कि सरकार OMSS के जरिए गेहूं बाजार में उतार सकती है, लेकिन ऐसी भी पूरी संभावना है कि OMSS के जरिए बाजार में उतारा गया गेहूं लंबे समय तक गेहूं के दामों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण गेहूं का सरकारी स्टॉक है। गेहूं के सरकारी स्टॉक की बात करें तो 1 अप्रैल को देश के पास तकरीबन 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं था, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक था। वहीं इस साल 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद भी हुई है। अगर इन्हें जोड़ दें तो 340 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक सरकार के पास सरकारी खरीद खत्म होने के बाद था। वहीं सरकारी राशन में वितरण के लिए 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं अलग रखा जाना है। इसके बाद सरकार के पास 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक अतिरिक्त है। वहीं 1 अप्रैल तक कम से कम 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं बफर स्टॉक के लिए बचाए रखना ज़रूरी है। ऐसे में OMSS के जरिए खुले बाजार में पिछले साल की तरह गेहूं आना संभव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में गेहूं के दाम 4000 के स्तर को भी पार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।